डायनाबोल जो कि एक जाना माना स्टेरॉयड है, ये सबसे पहले 1955 स्विट्जरलैंड में इसको सिंथेसाइज किया गया था और ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का ही एक डेरिवेटिव है। मेनली जो डायनाबोल था ये मसल लॉस केसेस में, कैंसर केसेस में, एड्स केसेस में इसको यूज किया जाता था, जहां पे बॉडी के अंदर मसल मास जो है वो काफी रैपिड रेट से डिक्रीज होता था, तो वहां पर मसल मास को मेंटेन करके रखने के लिए डायनाबोल को बेसिकली यूज किया जाता था। अब जो डायनाबोल की एनाबोलिक और एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। जो डायनाबोल है, जो उसकी एनाबोलिक प्रॉपर्टी है, दैट इज 210, मतलब टेस्टोस्टेरोन से 2 गुना ज्यादा। और वहीं पे जब हम इसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज 40-60, मीन्स 100 से भी कम है। और इसी पॉइंट की वजह से डायनाबोल था ये मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब जो डायनाबोल थी ये मसल मास, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि ये मसल मास को बढ़ाता है, तो परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और इसी पॉइंट से इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाने लगा। और डायनाबोल की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये बॉडी के अंदर बेसिकली वाटर को होल्ड करवाता है, जिसकी वजह से मसल साइज थोड़ा सा बड़ा दिखता है, और डायनाबोल को इसलिए गेनिंग सॉल्ट के नाम पर भी जाना जाता है।